टाइटल देते हैं ना मौली में बाबा, रोज कोई ना कोई नया टाइटल देता है। तो क्या बनाया हमको, क्या साधारण थे। आज बाबा ने कहा आप यज्ञ रक्षक हो, कितना बड़ा टाइटल दे दिया। ऐसे क्या बनाया और क्या दिया, क्या प्राप्तियां कराई। वो प्राप्तियों की लिस्ट भी सामने होंगी ना, तो जहां प्राप्ति होती है वहां भूलना नहीं होता। रास्ते चलते देखो कोई ठोकर खाता है, कोई परिचय नहीं होता है, लेकिन रास्ते चलते हुए कोई हमको ठोकर लगे, प्यार से उठा लेवे हमको, तो हमारे मुख से दिल से क्या निकलता है, जीवन भर आपको नहीं भूलूंगी। क्यों, प्राप्ति हुई। बच्चे को माँ क्यों प्यारी लगती है, माँ से प्राप्ति है। तो प्राप्ति वाले कभी भूलते नहीं है। अब बाबा ने क्या प्राप्तियां कराई है, लिस्ट निकालो। एक बारी बाबा ने कहा कि लिस्ट लंबी निकालो तो बहुत लंबी है, इसीलिए बाबा ने कहा एक शब्द में कहो बाबा इतनी आपने प्राप्तियां कराई है जो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो जब कोई अप्राप्ति नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर भूले क्यों। तो याद करो प्राप्तियों के आधार पर क्या बाबा ने बना लिया, उसके आधार पर फिर कभी बाबा नहीं भूलेगा। ये बाबा की शुभ आशय है ना, बाबा ने कहा ना, किसको कहा ना, आशय ईशा, ईशा को कहा शायद, ये आशय पूरी करने वाले। तो बाबा की आशाएं हम सभी पूर्ण करेंगे तभी तो बाबा के साथ चलेंगे ना। ब्रह्मा बाबा ने कहा ना, तो मैं तो रोज इंतजार करता हूँ मेरे बच्चे कब आए जो चलें परम धाम में, आह्वान करता रहता हूँ, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। हमको तो याद आता है जब हम लोग आबू से जाते थे ना, पार्टियां लेके आते थे, जाते थे ना, तो यहाँ पिछले रास्ते में एक वृक्ष है, तो बाबा वृक्ष तक आता था पैदल करके। उस समय कारी बारी नहीं थी, पैदल ही हम जाते थे बस स्टैंड पर, तो बाबा वृक्ष तक आता था और हमको वो रुमाल ऐसे करके छूटी लेता था, तभी तो कहता था जाओ बच्चे जाओ बच्चे जाओ बच्चे। और जब ही आते थे तो पार्टी से मिलते थे तो कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे। तो अभी भी ब्रह्मा बाबा जो है ना, वो कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं वतन में आप बच्चों का, और रोज बाबा कहते आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, ये गीत गाता रहता है। तो हम चलेंगे ना बाबा के साथ, चलना है ना, बस तैयार हो जाएंगे अब बाबा के साथ चलेंगे।